हेलो गाइस, मनमोहन व्लॉग में आपका स्वागत है। आज दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। फिर से मौसम थोड़ा रंगीन हो रखा है, बादल लग रखे हैं आसमान में। आइए, मेरा भतीजा अखिलेश। और बोल भाई, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मौसम आप दिखाते हैं है? मौसम तो बहुत ही रंगीन हो रखा है आज। थोड़ा बहुत देखो गाइस, मसूरी तो दिख ही नहीं रहा है और आसमान में आज थोड़ा बादल लगे हैं मसूरी की तरह। यहाँ तो साफ है और हमारे लेफ्ट साइड पूरा काले बादल है, आप देख सकते हैं। ये देखो लेफ्ट साइड जहाँ पेड़ कटे थे पहले, वहाँ पेड़ उग गए हैं दोबारा से। ये पूरा पेड़ों का वो जो काटे थे फिर से उग गए हैं। मस्त लगता है जब ये बड़े थे, हवा देते थे, मस्त हवा आती थी। अब फिर से हवा आ रही है। यह हमारा खेत, यहाँ पर हमने बो रखा है बीन्स। हो गई है बीन्स, अब बीन्स में फूल लग रखे हैं। इधर बो रखा है धनिया, लहसुन धनिया बो रखे है इधर। ये लीची आम पपीते के पेड़ भी हैं। मक्कियाँ भी हुई थी पर बारिश होने के कारण सब बेकार हो गए, खाने लायक भी नहीं थे। अब ये बो रखे हमने तो ये थोड़ा ठीक हो रखे हैं। ये है नीचे हमारा खेत, ये देखो बहुत कुछ बो रखा है, बीन्स लहसुन धनिया। ये नज़ारा हमारे उधर जो घर बने इधर, ये तो मस्ती में रहता हमेशा। आज क्या कर रहे हैं तुम? हाँ कुछ तो कर ही रहा होगा, नाम भी तो रख लेते तब है अखिलेश सिंह। देखो हमारे घर के आगे भी यहाँ पर जो है कोदा जंगरा बो रखा है आंटी लोगों नीचे। मेरा प्लॉट ये देखो, कोदा जंगरा उग रखे हैं यहाँ पर पूरे, यहाँ से वहाँ तक पूरे प्लॉट में। वाह, बहुत ही मस्त हो रखा है यहाँ पर। एक तो बंदरों और जंगली सोरों का वो नहीं है डर, तो हर कुछ हो जाता है। वैसे यहाँ पर दीमक और चूहों का डर रहता है, खा देते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल हो रखी है कोदे और जंगलों की। कोदे को वैसे मंडवा भी बोलते हैं। ये देखो क्या मस्त नज़ारा है यहाँ पर, ये स्विफ्ट डिजायर और टाटा सफारी।